हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ कंसेप्ट बाय आशीष। तो बेटा ये 2020 का एक सम है जिसमें एक मैट्रिक्स गिवन है, आई इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हमें इसके वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, आप सिंपली ऐसा कर सकते हो कि जो आपको ए मैट्रिक्स गिवन है उसका आप इन्वर्स फाइंड करो। 2 cos 2 का बहुत इजिली इन्वर्स फाइंड हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो जो आंसर आ रहा है वो आपका इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स आंसर आएगा। लेकिन अगर आप देख सकते हो अच्छे से तो आपको जो आंसर गिवन है वो इन टर्म्स ऑफ ए एंड आई गिवन है। तो उसमें से कौन सा सही आंसर होगा ये फाइंड करना हमारे लिए थोड़ा लेंजी हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया है, इसको प्योर मेथड ऐसे कर सकते बेटा, ए माइनस लेमड़ा आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाएगा। मतलब ये जो मैट्रिक्स है उसका हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप बेटा आशीष सर से पढ़ रहे हो तो 2 cross 2, हम जनरली आपको पता है कि जो भी मैट्रिक्स पढ़ते हैं वो 2 cross 2 होता है या 3 cross 3 होता है। तो यहाँ पे 2 cross 2 के बेस पे 3 क्वेश्चन है, 2022, 2021 एंड 2020। तो कैसे बहुत इजीली और बहुत फटाफट सम सॉल्व होता है वो आप ध्यान से देखिए। आपके पास एक शॉर्टकट है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो। ये कोई मतलब मैं आसमान से नहीं लाया हूं, ये जो फॉर्म है हमारा ये वाला, इसी से ये निकला है। लेकिन ये फॉर्म से आपको थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन होगी, ये फॉर्म से सिंपली हो सकता है। चलो इस फॉर्म में किसको क्या बोलते हैं देखो, डिटरमिनेंट आपको पता है, डिटरमिनेंट किसको बोलते हैं, ट्रेस बेटा किसको बोलते हैं, ट्रेस मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है उनका एडिशन, ठीक है। तो चलो एक एक करके फाइंड करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ट्रेस कितना हो गया बेटा ए मैट्रिक्स का, 2 plus 4 इज इक्वल टू 6। डिटरमिनेंट कितना हो गया बेटा देख लो, 4 2 8 -18 इज इक्वल टू -10, ठीक है। ये दोनों चीज मिल गई। अब मैं डायरेक्टली बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना बेटा 6 6 8 प्लस डिटरमिनेंट कितना बेटा -10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -10 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। अब देखो कोई भी इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन से इनवर्स आपको अगर फाइंड करना है तो आपको बहुत अच्छे से आता है, सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 minus i minus 10 a inverse इज इक्वल टू 0। ये आपने बोर्ड में बहुत अच्छे से ये आपने किया है, इसलिए मैंने बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म से नहीं बताया कि सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। बस अब आपको जो फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बता दो। 10 a inverse इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 6 i minus a। तो ये आपका बहुत इजी, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतने दे रही हूँ। तो कौन सा आंसर है, आंसर इज फर्स्ट, 6 i minus a, ठीक है। अब ये थोड़ी स्पीड में करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा आज का, और वो 2021 से। देखो कैसे पहचानोगे, एक तो 2 cross 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ ऐसा फॉर्म दिया है, मतलब ए इनवर्स ए एंड आई। देखो 2 cross 2 मैट्रिक्स है तो हाईएस्ट इक्वेशन जो इसका बनेगा उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। फिर से लिख देते हैं कौन सा होगा, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो ट्रेस फाइंड करते बेटा इसका, ट्रेस कितना होगा, 1 plus 4 इज इक्वल टू 5। ओके डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है बेटा, 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो बातों बातों में देखो हमने दो चीज निकाल दी और फटाफट लिख सकते हैं, स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस इज 5 माइनस 5 a, डिटरमिनेंट बेटा 6 है, प्लस 6 i इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें जो फॉर्म लाना है वो बेटा इनवर्स के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबको इनवर्स दे देंगे, ए इनवर्स अगर देंगे तो ए 5 ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी प्लस 6 i इंटू ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स आएगा, ठीक है। ओके तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हो यहाँ पे मुझे ए इनवर्स को सब्जेक्ट बनाना है, अगर मुझे ए इनवर्स को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, 6 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 5
आई माइनस ए, ठीक है। अब बेटा आप जो लाना है वो ध्यान से देखो, मुझे सिर्फ ए इनवर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 6 को मैं डिवाइड कर दूंगा, मतलब 5/6 i माइनस 1/6 ए। अगर आप ध्यान से देख सको तो हमें क्या लाना था, देख लो यहाँ पे क्या लाना था हमें, हमें ऐसा कुछ लाना है। तो उसको कंपेयर करो, अल्फा आई प्लस बीटा ए, तो आई के कॉफिशियंट को अल्फा बोल देंगे, ए के कॉफिशियंट को बीटा बोल देंगे, और जो हमें फाइंड करना है फॉर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स अल्फा क्या बेटा 5/6 माइनस बीटा क्या है 1/6, मतलब माइनस माइनस प्लस 1/6, तो 4 ये हो गया बेटा 1, आंसर इज 4। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूं इसलिए इतनी भी देर हो रही है, ताकि आप देख सकते हो 2020 2021 बहुत ही इजी कंसेप्ट से ये फटाफट इसका आंसर आ जाता है। ओके, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम 2022। ओके, फिर से वही का वही फॉर्म आप देख पा रहे हो कि हाँ ये ए मैट्रिक्स है और ऐसा कुछ इक्वेशन है और हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब देखो ये क्वेश्चन लीगली इससे ही करना है बेटा, मैं आपको मतलब गुमराह नहीं करना चाहता, लीगली यही फॉर्म से करना है, लेकिन अगर आप जानते हो तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं ट्रेस, ये तो सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, जब मैं सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करूंगा तब आपको पता चलेगा। ट्रेस हो जाएगा बेटा 4 + बीटा, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इसका, 4 बीटा माइनस माइनस 2 अल्फा, ठीक है, मतलब यू हैव टू फाइंड दिस डिटरमिनेंट, ठीक है। अब मुझे अगर इसका इक्वेशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, चलो मैं ये थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, आपको इक्वेशन लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू 0। मतलब अगर ये 2 डिग्री इक्वेशन है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आइडेंटिटी है, तो इसके पास जो होगा वो डिटर्मिनेंट होगा, तो ये सॉल्व करने की जरूरत क्या है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो आई के साथ क्या है एटी, और आई के साथ क्या होता है डिटर्मिनेंट, उसका मतलब ये हो गया बहुत इजीली कि आपका आंसर हो गया। इसको सॉल्व करने की मतलब अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे होगे तो आप देख के बता सकते हो, अरे बाप रे 1 सेकंड नहीं लगेगी आपको टिक करने में, ठीक है। तो ये रिपीटेडली 3 क्वेश्चन मुझे मिले तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए या फिर अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।